अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हैं हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स का सलूशन देंगे। इस वीडियो में हम जो हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर करके आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारी बुक के उसको जो है सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो मैं जो हूँ बात स्टार्ट कर रहा हूँ हमारी बुक के क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें हमें ग्रेविटी निकालनी है, इसके सब जानते हैं इसमें ग्रेविटी निकालनी है किसी प्लैनेट पर। उस प्लैनेट का नाम जो है बता दिया है क्या जुपिटर, तो उसको मैंने जे जी कह दिया। अच्छा, ग्रेविटी निकालने की हमारे कोर्स में सिंपल का जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला है ये। ग्रेविटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें ये कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अरे, जिस प्लैनेट की ग्रेविटी आपको यहाँ निकालनी होगी उस प्लैनेट का मास और उसके रेडियस का स्क्वायर आपको यहाँ पर रखना है। जैसे अगर मुझे अर्थ की ग्रेविटी निकालनी है तो मैं यहाँ पर रखूँगा मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और मुझे सॉल्व करके मिल जाएगी यहाँ पे वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसकी नहीं, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि मुझे जुपिटर की ग्रेविटी निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा जी एम जे यानी कि मास ऑफ जुपिटर अपॉन रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर। ठीक है, अब डेटा हमें कुछ इस तरह गिवन है कि आपका जो मास ऑफ जुपिटर है वो है 318 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ और जो डायमीटर ऑफ जुपिटर है वो है 11 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब इस न्यूमेरिकल में कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक चीज़ हमें तंग कर रही है जो क्या है हमारा डायमीटर। तो एक चीज़ याद रखें, जो रिलेशन हमारे पास रेडियस के दरमियान होता है वही रिलेशन हमारे पास डायमीटर के दरमियान होता है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी कर लेते हैं। अगर मैं ये रिलेशन यहाँ पर दोबारा से लिखूँ तो आपको जानते हैं डायमीटर इज़ ट्वाइस जुपिटर है तो रेडियस ऑफ जुपिटर 11 टाइम्स ऐसे ही आ गया। डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, टू से टू कैंसिल। तो जो रिलेशन डायमीटर के दरमियान था वही रिलेशन रेडियस के दरमियान आ गया। अब हम जो है इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में इनपुट करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में इनपुट करूं तो ये आंसर कुछ ये बन जाएगा। ये ऐसे ही आ गया, मास ऑफ जुपिटर की जगह पे आ गया हमारे पास 318 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ जुपिटर की जगह पर आ गया मेरे पास 11 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आके हमेशा स्टूडेंट्स को यह बताता हूँ कि भाई जब भी आप इस तरह का न्यूमेरिकल इनपुट करें अपने इंड्यूस कराए हुए नंबर को एक जगह पे लिख लें और बाकी बचे हुए सिंबल्स को एक जगह पे लिख लें। तो मेरे इंड्यूस कराए हुए जो नंबर्स थे वो थे ये, स्क्वायर का ख्याल रखें, और जो वेरिएबल्स अब मेरे पास बचकर एक जगह पे आ गए। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आपने इस जैसे मिलता जुलता फॉर्मूला एक और जगह देखा है जो कि इसके बराबर था जी बिल्कुल, जिसकी वैल्यू क्या थी 9.8। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आ गया 318 अपॉन 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, चाहे तो अगर आप आंसर नंबर्स में देना चाहते हैं उसको 9.8 रख दें, सिंबल पे देना चाहते हैं तो आप इसे जी रख दें। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस पूरे फैक्टर को तो ये आंसर जो है वो एग्जैक्टली आपकी बुक से मैच करता वो आंसर आ जाएगा जो कि आपके बराबर है 2.63 टाइम्स ऑफ जी। इसका मतलब उसने मैरिकल ने बताया कि जुपिटर पे जो ग्रेविटी है वो है 2.63 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अच्छा भैया, उस न्यूमेरिकल के बाद में एक और आने वाला जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको, हमारे चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल है 4, जिसमें आपसे मून की ग्रेविटी पूछी गई है, उसको जिसका डेटा है वो कंपैरिजन के हिसाब से दिया गया है अर्थ के हिसाब से। बस फ़र्क ये है इसमें जो आंसर्स हैं जो वैल्यूज़ हैं वो कंपेयर करके दी गई हैं अर्थ से, लेकिन मसला ये है कि वो गिवन है परसेंटेज में। तो कोई मसला वाली बात नहीं है, जब भी कोई वैल्यू परसेंटेज में गिवन हो हमारे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में तो हमेशा सबसे पहले उस परसेंटेज को ख़त्म कर दें। तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद एक नंबर बन जाएगा 0.27 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ और जो मास ऑफ मून है वो बन जाएगा 0.012 ऑफ द मास ऑफ अर्थ। हमें सबसे पहले ग्रेविटी निकालनी है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में एक चीज़ उन्होंने और चेंज कर दी है, वो क्या कि उन्होंने एक आदमी का जो मास है वो अर्थ पे बताया हुआ है, तब तभी मैंने उसको डब्ल्यू ई लिखा है, और इसका वेट बताया हुआ है और उसका वेट मून पर पूछा है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम हमें देखते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रेविटी निकालते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, उस स्टेप को मैं बहुत तेज़ी से करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको सॉल्व किस तरह से करूँगा, भाई मैंने जी एम लिखा, ये मैंने लिख दिया जी, मास ऑफ मून की जगह मैंने जैसे आपको कहा था वो रख दिया 0.012 ऑफ द मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून की जगह रख दिया 0.27 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को एक जगह लिखा और सिंबल्स को एक जगह लिख दिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं
अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन गया जी, और अगर मैं लेट सपोज इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं 0.012 डिवाइड बाई 0.27 का स्क्वायर, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.164, यानी कि मून पर जो ग्रेविटी है वो है 0.164 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 9.8 से तो मेरे पास एग्जैक्ट ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी जो कि होती है 1.61 और एक्सपोनेंट 1.61 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये जो ग्रे वैल्यू है ये है एग्जैक्ट वैल्यू, ये कंपैरिजन की वैल्यू है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। कंपैरिजन की वैल्यू निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद मेरा ये था कि मुझे इस न्यूमेरिकल में वेट भी फाइंड करना, तो आप ज़रा देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भाई कि वेट मुझे मालूम करना है, देखिए मैं वेट किस तरीके से मालूम करूँगा, अगर ये वेट ऑफ अर्थ होता तो यहाँ पे ग्रेविटी भी किसकी आती, अर्थ की आती, लेकिन अगर ये वेट ऑफ मून है तो यहाँ पे ग्रेविटी भी किसकी आएगी, मून की आएगी। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, इसको मैंने लिख दिया एम जी एम, जी एम मैंने पहले से मालूम किया था जो था 0.614 टाइम्स ऑफ जी, तो इस मास को मैंने यहाँ रखा, इसकी जगह मैंने प्लेस कर दिया 0.164 टाइम्स ऑफ जी। अब फिर मैंने वही हरकत की, 0.164 को एक जगह रखा, एम जी को एक जगह रख दिया। अब एम जी जो है बेसिकली बराबर है उस वेट के जो उस आदमी का था कहाँ पे, अर्थ पे, जो मुझे डायरेक्टली के मैंने कितना 424। तो अगर मैं उसको खाली इस फैक्टर से जल्दी से मल्टीप्लाई कर दूँ इस कैलकुलेटर के थ्रू, तो मेरे पास जो वेट होगा वो बिना मास निकाले जो अक्सर टीचर्स निकलवाते हैं आ जाएगा, जो एक से बराबर होगा 69.53 न्यूटन के। तो ये था इस न्यूमेरिकल का सलूशन, मज़ीद सलूशंस की देखिए हमारी अगली वीडियो।